इंडिया दोस्ती में नवाज शरीफ मुल्क दुश्मनी पर उतर आए, अस्करी तंजीमें अब तक मुतहर्रिक, मुझे समझाएं उन्हें इजाजत देनी चाहिए कि सरहद पार जाकर मुंबई में 150 लोगों को कत्ल कर दें। साबिक वज़ीर आज़म का इंटरव्यू, रावलपिंडी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मुंबई हमलों से मुतालिक मुकदमे की कार्रवाई अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं हुई, नवाज शरीफ का सवाल। नवाज शरीफ का इंटरव्यू, भारतीय मीडिया बेपरकी छोड़ने में मसरूफ, बयान को अपनी फतह करार देकर आसमान सर पर उठा लिया। पाकिस्तान में सियासतदानों का शदीद रद्द अमल, साबिक वजीर आजम मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं, दिफाई माहिरीन का रद्द अमल। अगर मुझे पता होता कि लालू खेत के करीब जलसा से MQM के सारे धरो एक हो जाते तो ये जलसा में बहुत पहले कर देता। कम से कम ये सियासी बोने यहाँ के वोटर्स और अवाम को यूं रुस्वा तो नहीं करते। नून लीग नाकाम लीग, इमरान खान अवाम को वरगला रहे हैं। कराची पीपल्स पार्टी ने तामीर किया, MQM ने तबाह कर दिया। ये लोग खुद कुछ करते हैं ना करने देते हैं। बिलावल भुट्टो के बागे जिना से वार, बोले बेचने के लिए कुछ नहीं बचा तो मुतहदा वाले पैसों की बंदर बांट के लिए एक हो गए। पीपी चेयरमैन का जलसे से खिताब, आओ जी आओ, नारे लगाओ, हल्ला गुल्ला करो, झंडे लहराओ, कराची का मैदान PTI ने लड़ा दी जान। अलादीन पार्क से मुतसिल ग्राउंड में बड़े शो से पहले हर तरफ जश्न, ख्वातीन खिलाड़ियों के अपने ही तशन, कोई सर पर कैप सजाए और कोई फेस पेंटिंग कराए। जलसगाह पहुंच गई कप्तान की आमद का इंतजार, इमरान खान लहू गरमाएंगे, मुखालफीन पर बाउंसर्स बरसाएंगे। इमरान खान को ही देखने आए और उनकी स्पीच सुनने आए, हमेशा से ही इमरान खान से ही उम्मीद है। खान साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे, हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। पाकिस्तान डट गया, इस्लामाबाद में नौजवान को कुचलने वाले अमरीकी सिफारतकार कर्नल जोसेफ को अमरीका जाने से रोक दिया गया। अमरीकी जहाज नूर खान एयरबेस से मुलजिम के अहले खाना और सामान समेत वापस रवाना। क्या शहरियों को आपके रहमो करम पर छोड़ दे, कोई प्रॉब्लम है तो क्या सारफीन को जहन्नम में डाल दिया जाए, इस तरह तो कराची वाले गर्मी से मर जाएंगे। कराची में लोड शेडिंग, चीफ जस्टिस बरहम, CEO के इलेक्ट्रिक की सरजनिश। हैदराबाद में भी बिजली की बंदिश का नोटिस, लोड शेडिंग जारी रही तो आपके घर की बिजली भी बंद कर देंगे, जनरेटर चलाने की इजाजत भी नहीं देंगे, हेस्को चीफ को वार्निंग। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कैदियों की हालत ज़ार देखने सेंट्रल जेल कराची पहुंच गए, मुख्तलिफ बैरक्स का दौरा, कैदियों से मुलाकात, मसाइल भी सुने। जस्टिस साकिब निसार ने खाना खाकर चेक किया, तालीम और आर्ट्स के शोबों का भी दौरा, इंतजामात को बेहतर करार दे दिया, मुख्तलिफ जराइम में सजा काटने वालों का रिकॉर्ड तलब। मेयर साहब बताएं कितने नाले साफ हो गए, बताएं शहर साफ होने की खुशखबरी कब सुनाएंगे। चीफ जस्टिस का वसीम अख्तर से इस्तफसार, एक माह की मोहलत, काम शुरू हो गया, टेंडर जारी कर रहे हैं, मेयर कराची का जवाब, पायलट्स की डिग्रियों की तस्दीक में ताखीर, चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, एयरलाइंस को जुर्माने, जस्टिस साकिब निसार की कराची रजिस्ट्री आमद पर साइलिन का रश, इंसाफ की मतलाशी खातून चीफ जस्टिस की गाड़ी के सामने आ गई। बाहर निकली और जिन साहब के घर हमने जाना था वहां तक मैं गई,
इतनी जबरदस्त सड़कें बनी हुई देखी मुल्तान में कि मैं हैरान रह गई। नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल, मुल्तान के तरक्कियाते मंसूबे, शहरियों के लिए जान का बवाल। एक माह कबल बनने वाली सूरज म्यानी रोड अचानक बैठ गई, बस गढ़े में जा धंसी, गैस लाइन भी फट गई, कई घंटे बाद बस को निकाल लिया गया। मुल्तान में जलसे के दौरान मरियम नवाज ने कल ही इन मंसूबों की तारीफों के पुल बांधे थे। कौमी खेल का एक अहद खत्म, ओलंपियन मंसूर अहमद अब नहीं रहे। चौथी बार पाकिस्तान को आलमी चैंपियन बनवाने वाले मंसूर अहमद दिल के आर्जे में मुब्तला थे। आज सुबह हालत बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर मुंतकल किया गया, दौरान इलाज खालिक के हकीकी से जा मिले। तारीखी टेस्ट में शाहीनों ने अपनी तारीख दोहरा दी, कमजोर तरीन हरीफ आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी बैटिंग ढेर, ओपनर अच्छा आगाज देने में नाकाम। ग्रीन कैप्स ने 6 विकेट्स पर 208 रन बना लिए, शादाब खान और फहीम अशरफ क्रीज पर मौजूद। अली जफर और मीशा शफी स्कैंडल में नया मोड़, मीशा शफी की वकील हिना जिलानी ने अली जफर के कानूनी नोटिस का जवाब दे दिया। मीशा शफी के इल्जामात बिल्कुल सच, गुरुकारा को एक से जायद मरतबा हिरासा किया गया, अली जफर मुआफी मांगे, वकील का मौकिफ। भारत रत्न मुंतकली के इल्जाम, नवाज शरीफ को बदनाम किया गया, मकसद सियासी मुफाद हासिल करना है। नून लीगी रहनुमा नूर अहमद आवान ने चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, इल्जाम की तहकीकात की इस्तेदा।